बोलो बोलो इतिहास अपने आप को। जो इंसान डिसिप्लिन है वो दुनिया पे भारी पड़ेगा भाई। ए बी सी कभी नहीं आएगी, आपको ही जाना होगा, एक्टिंग करनी पड़ती है। जो इंसान डिसिप्लिन है वो दुनिया पे भारी पड़ेगा भाई। वो दुनिया पे भारी पड़ेगा क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन में है, वो कहर ढाएगा। ज्ञान कम हो, जनरल नॉलेज कम हो, स्पेशलाइज नॉलेज कम हो, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन है तो वो भारी पड़ने वाला है। हम किसी महान अवसर पर जो करते हैं वह शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि हम पहले से क्या हैं। ओहो, जब भी जीवन में महान अवसर आएंगे तब भी आप वही करेंगे जो आप पहले से हैं। अगर आपका एटीट्यूड बेकार है, अगर आपका नॉलेज ऐसा है जो बहुत पुराना है, जिसको आप रिनोवेट नहीं करते, जिसमें आप ऊर्जा नहीं लगाते, जिसमें आप फिल्टर नहीं लगाते, वो आपके लिए घातक है, वो आपको नुकसान करेगा। आपको, आप और हम जो वह पिछले वर्ष के आत्म अनुशासन का परिणाम होगा। पिछले साल पूरे साल जो आपने इनडिसिप्लिन लगाया अपनी लाइफ में, वही अगले साल का परिणाम होगा। अब आप इस लाइन की गुठाई करो थोड़ी। किसी महान अवसर पर जो करते हैं वो शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहले क्या थे। इसका मतलब है ए बी सी, ए से बी, बी से सी, तो अब इस बात की संभावना है कि सी से डी वो होगा जो ए से बी था। इसको क्या बोलते हैं? इतिहास अपने आप को। बोलो बोलो इतिहास अपने आप को। मतलब पूरे साल अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो 99% संभावना है कि आप अगले साल भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे। अब इस चक्र को जिस साल आप तोड़ोगे उस साल दिवाली मनाना, उस साल जश्न मनाना कि मैंने मेरी जिंदगी में इनडिसिप्लिन को तोड़ दिया। ये यही कहने वाला है कि जो आपका अतीत करता जा रहा है, अगर बड़ा ब्रेक नहीं लगाया, सर्किल को तोड़ा नहीं, इस लूप को तोड़ा नहीं, तो आगे भी वैसे ही रहोगे। इसलिए बड़ा परिवर्तन भीतर चाहिए जो आपको डिसिप्लिन लेके आएगा। अनुशासन वह शोधन की आग है जिसमें प्रतिभा क्षमता बन जाती है। शब्द भारी है, एक एक को थोड़ा समझो ध्यान से। अनुशासन क्या है? ऊपर लिखा हुआ है, पढ़िए। शोधन की आग, शोधन समझते हो? आप जब शोध करते हो, अपने आप को फिल्टर से गुजारते हो, तो वो शोधन की आग है। अगर डिसिप्लिन में रहे तो आग काम करती है शोधन की, और आपके टैलेंट को आपकी कैपेबिलिटी में, आपकी कैपेसिटी में कन्वर्ट कर देती है। आप क्षमतावान बन जाते हो, भारी क्षमता आपके अंदर आ जाती है, आप जबरदस्त लीडर बन जाते हो। अनुशासन आपसे वह करा देता है जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते। मैंने आज प्लेट वन बताया, आप में से 90% लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिसका डिसिप्लिन जाग गया आपसे वो करा देगा जो आप करना नहीं चाहते, ताकि आप वह कर सकें जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। अनुशासन में ताकत है, अनुशासन में ताकत है, अनुशासन में ताकत है भाई, डिसिप्लिन में ताकत है। ये कैसे बनता है डिसिप्लिन? छोटे छोटे संकल्प लिए जाओ और निभाए जाओ। आज मैं 2 घंटे मोबाइल को अपने आप से दूर रखूंगा। अगर आपने ये निभा दिया, अपनी पीठ थपथपाना, क्योंकि आपने दूज का चांद देखा है। एक दिन आप बड़े संकल्प निभाओगे। आज मैं खाने में 4 रोटी लेता था, आज 3 लूंगा, छोटा संकल्प था, निभाया, आपकी पीठ थपथपाना। आज मैं 1 टाइम भोजन करूंगा, संकल्प थोड़ा बड़ा किया, ताकत थोड़ी बड़ी लगी, लेकिन पीठ थपथपाई, मैंने एक और संकल्प पूरा किया। आप जब छोटे छोटे डिसिप्लिन लाइफ में लेने लग जाते हो तो इतनी ताकत मिल जाती है, आप बड़े संकल्पों को भी निभाना लग जाते हो। डिसिप्लिन थिंकिंग, अनुशासित सोच। पहले तो सोच डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सोच किसे कहते हैं? सोच का हर सिरा, एक सिरे से लेके अगले सिरे तक, उसमें नेगेटिव का अंश नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, पर्पज, गोल, यही चाहिए। तो आपकी सोच नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसे बोला जाता है डिसिप्लिन थिंकिंग। अपने दिमाग को सक्रिय रखना होगा और हमेशा सही चीजों के बारे में सोचना होगा। आप में से महीने का अब तक किसी ने 50,000 रुपया अर्न किया? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। 1 लाख? वेरी गुड। 2 लाख किसी एक महीने में? और वेरी गुड। 3 लाख? वेरी गुड, वेरी गुड। 4 लाख? वेरी गुड, वेरी गुड। 5 लाख? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 लाख? वेरी गुड, वेरी गुड। 10 लाख?
बहुत अच्छा, 15 लाख 20 लाख तक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस हॉल की कैपेसिटी 20 लाख तक सोचने की है। अब 50 लाख का टाइम आ गया जहांगीर जी, अब 50 लाख का टाइम आ गया, 1 करोड़ सोचने का टाइम आ गया, क्योंकि लाइन कहती है आपका दिमाग अगर सक्रिय रहा तो हमेशा क्रिएटिव और सजग चीजों के बारे में सोचना शुरू करिए, प्रकृति रास्ते वैसे ही दिखाना चालू कर देती है। मैंने जिस महीने 1 करोड़ की इनकम को ब्रेक किया, उस महीने मेरी जिंदगी का एक और रिकॉर्ड टूट गया। मेरी लाइफ में आज तक कोई साला ईएमआई बाउंस नहीं है, उस महीने ईएमआई बाउंस हो गया जिस महीने मैंने 1 करोड़ कमाया। क्यों? उस महीने तो मुझे ये पता नहीं था मैं कल कहां था। पूछते कल कहां थी ट्रेनिंग, कल कहां है ये पता है, कल कहां थी पता नहीं, कल कहां थी पता नहीं। 22 जनवरी को मैं था लातूर महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र का टूर था, और 22 जनवरी को मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना होता है एक्सिस से HDFC, 6 महीने के लिए करता हूँ एक साथ, भूल गया रे। ये साथ जश्न मनाया मैंने, हंसा, वाह जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ वो दोनों काम एक साथ हुए, 8 फिगर को तोड़ा और EMI भी बाउंस हुई। इससे पता चलता है मेरा डिसिप्लिन, मेरी सोच इतनी सक्रिय थी, मैं अपने गोल के लिए इतना पागल था, मुझे होश ही नहीं रहा, मैंने पीठ थपथपाई अपने। इसको कहते हैं सुनियोजित लापरवाही। कुछ ऐसी लापरवाहियां करो जो आपके गोल के लिए कई चीजों के त्याग और बलिदान से गुजार दे आपका दिमाग। डिसिप्लिन इमोशन, अनुशासित आपके इमोशन होने चाहिए। जब भावनाओं की बात आती है तो लोगों के पास केवल 2 विकल्प होते हैं, वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं या उनके द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। जब भी इमोशन हावी होवे तो या तो आप इमोशन को कंट्रोल करो, नहीं वो आपको कंट्रोल करेंगे। नाव चलाने वाला नाविक सावधान तो नाव चलती है नाविक के हिसाब से, और अगर नाविक सावधान नहीं तो नाविक चलता है। समझ में आया? अगर नाविक सो गया तो नाव तो चलेगी, लेकिन अब नाविक वहां जाएगा जहां नाव चाहेगी, और अगर नाविक सोच रहा है, जागरूक है, तो अब नाव वहां जाना चाहेगी जहां पे वो ले जाना चाहेगा। आपका जीवन इमोशंस के ऊपर है। डिसिप्लिन एक्शन, अनुशासित क्रियाएं करनी होगी। डिसिप्लिन पीपल, डिसिप्लिन थॉट, डिसिप्लिन एक्शन। अब अनुशासन का नंबर आ गया, अब आपको जीवन में आगे की तैयारी करनी होगी। जो लोग दूध चाहते हैं उन्हें खेत के बीच में एक स्टूल पे बैठकर यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि गाय दूध देने उनके पास आएगी। कई लोग कहते मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, अरे दुर्गा दुर्जन सिंह भी आएगा। अब जमाना गया, करण अर्जुन तो आएंगे लेकिन दुर्जन सिंह भी भारी हो गया, अपग्रेडेड वर्जन, साला 7G आ रहा है, 6G आ रहा है, अपन भेरू जी भूमा जी, वो 7G कैसे फाइल सपोर्ट करेगी। इंतजार करने से करोड़ों नहीं आता, मेहनत करने और पुरुषार्थ करने से करोड़ों आए बिना नहीं रहता। स्टूल पे बैठ के आप इंतजार करो खेत में, गाय दूध देने आएगी? कभी नहीं आएगी। आपको ही जाना होगा, आपको ही जाना होगा और पूरा प्रोसेस निभाना होगा। कभी गाय का दूध निकाला है? कितनों ने निकाला? वेरी गुड, कितनों ने निकालते हुए देखा है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने देखा है। याद करो प्रक्रिया, पहले गाय के पास जाना पड़ता है, मक्खियां उड़ानी पड़ती है, एक्टिंग करनी पड़ती है, पुचकारना पड़ता है, मंगली संगली बोल के उसको बैठाना पड़ता है, फिर उस जगह पे जहां दूध का समुद्र है वहां को धोना पड़ता है, वहां को धोना पड़ता है, फिर पाउंसाना पड़ता है। पाउंसाना समझते? थोड़ी देर में वो राजी हो जाती है, मैं देने के लिए तैयार है, तू ले ले रे, ले ले रे। एक गाय का दूध निकालने का जितना प्रोसेस होता है, एक प्लॉट को निकालने का भी प्रोसेस उतना ही होता है। आपको दूध निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप दूध चाहते हैं? कामयाबी चाहते हैं? चैंपियन बनना चाहते हैं? तो आप घर पे बैठ के मस्त इंतजार करिए, कोई प्लॉट लेने आएगा। ऐसा कोई लेने नहीं आएगा, मैं देने जाएगा। संकल्प लेते हो? हाथ खड़ा करके बोलो, मैं देने जाएगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं बेचने निकलूंगा, उसे लेना ही होगा, क्योंकि मुझे मर्सिडीज चाहिए। बस इस शिद्दत के साथ मार्केट में जाओ भाई, थोड़ी मेहनत करो, जिंदगी का आनंद बदल जाएगा, जबरदस्त काम हो जाएगा। आप जिस कार्य के अभ्यस्त हैं उसे बड़ा कार्य करें, उससे बड़ा करें। आप डेली 3 विजिट कराते हो और शाम को ऐसी हालत होती है जैसे गन्ने में से पूरा जूस खत्म निकल गया सर। तो कभी 4 विजिट करा ली तो ऐसे हुए जैसे चूसे हुए आम की गुट्ठी बची, आम में रस नहीं खत्म है।
अब 5 विजिट करके देखो स्ट्रेच कितना हो सकता है, 6 विजिट करा के देखो बॉडी में कैसा तंत्रणा मचती है, लेकिन करके देखो भाई।